नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका और एक सेशन में। सो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक कॉमर्स स्टूडेंट के पल्ले नहीं पड़ता है और ये बात तो तय है जी। हाँ सो बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए एग्जाम में अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे क्विकली उसको आइडेंटिफाई करना है, इंस्टीट्यूट आपको जो पॉइंट देने वाला है उसको इंटरप्रेट कैसे सॉल्व करके फटाफट आंसर पे लाना है इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर। अगर आपको उसका कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन चाहिए, सर ये कैसे डिराइव हुआ, सर ये क्या है, देन इन दैट केस आओ कभी हवेली पे, अलग से मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बहुत डिटेल चीज है ये, ऑब्वियसली नॉट अ स्मॉल थिंग। बट अगर आप सर एग्जाम पूर्ता बता दो, बस सर एग्जाम में हम लोग ये सॉल्व करके आए, बिकॉज मैं आपको बता रहा हूं लाइफ में आगे ये अपने को काम में नहीं आने वाला है एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, ना इधर चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉर अ कंपनी सेक्रेटरी नॉर अ CWA नॉर अ MBA, नोबडी यूजेस दिस। सो व्हाई इज दिस, वो बात की डिस्कशन है। तो फिलहाल अपने को एग्जाम में ये है, एग्जाम में इसको सॉल्व करके आना है, बस सर इतना ही चाहिए कि एग्जाम में ये सॉल्व करके आ जाए। तो बस आ जाओ मेरी ये 5 मिनट के वीडियो पे, फटाफट तुम लोग को बता दूंगा कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एग्जाम में क्या पॉसिबिलिटीज है, इंस्टीट्यूट आपको क्या देगी और उससे इंटरप्रेट करके कैसे आपको आंसर देना है। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दो एंड शेयर कर दो अपने उन दोस्तों के साथ जो जिसके लिए ये हेल्पफुल होगा। एंड डेफिनेटली डू शेयर योर लाइक्स फॉर दिस वीडियो बिकॉज आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। एज अ स्टूडेंट मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा टेंशन रहता था कि भाई स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना आए, आया तो पता नहीं वो कुछ तो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके आ जाएंगे सॉल्व, हुआ राइट तो ठीक, नहीं हुआ तो गया। बट एटलीस्ट तुम लोग के साथ मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वॉट आई हैव डन इज जो भी इंस्टीट्यूट का पॉसिबिलिटीज है ना, जो भी पॉसिबिलिटीज है वो सब मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया है, बस उतना देख लो उतना करके जाओ एंड यू विल बी इजीली एबल टू क्रैक दिस। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का एक बेसिक बता दूं कि दिस इज हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। एक होता है लेफ्ट साइड और दूसरा होता है राइट साइड। ये जो है ये है आपका लेफ्ट टेल और ये जो है ये है आपका राइट टेल। बीच का जो पार्ट है दिस इज इक्वली डिवाइडेड, सो दिस इज एग्जैक्टली 50% एंड दिस इज एग्जैक्टली 50%। सो दिस इज अ बेसिक अजम्पशन विच यू शुड नो। ये जाता है माइनस इंफिनिटी के ऊपर, ये देखो ये टच नहीं हो रहा है, ये जो आपका लाइन है ना ये टच नहीं हो रहा है। सो ये इंफिनिटी पे जाता है, वो भी इंफिनिटी पे जाता है, ठीक है सर इतना बेसिक समझ में आता है, पता है। अब एग्जाम में सर क्या पॉसिबिलिटीज है वो बताओ। 5 पॉसिबिलिटीज है और वो 5ों पॉसिबिलिटीज आपको साथ डिस्कस कर रहा हूं और इंस्टीट्यूट का एक सम है, वो पॉसिबिलिटीज भी आप लोगों को दिखा देता हूं एंड यू विल बी थ्रू। सबसे पहला पॉसिबिलिटी है कि वो आपको एक क्यूमुलेटिव नंबर देगा। क्यूमुलेटिव नंबर मतलब माइनस, ये देखो ये रहा यहां से लेकर ये एक्स तक, तो जो भी एक्स है ना वो अपना फाइनल आंसर है। तो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे जेड इज इक्वल टू इसका एक फॉर्मूला एक्स माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, वो सबसे जब आप उसको सॉल्व करोगे ना तो आपको मिलता है इसका आंसर। अपने को ये ब्लैक एंड स्कोल्स में यूज करना है, बराबर है। तो ब्लैक एंड स्कोल्स में तो अपन लोग ND1 और ND2 करके फाइंड करते हैं, तो ND1 आपका आ जाएगा, उसी के बाद में यूज करके ND2 भी आ जाएगा। अब वो जो आंसर आया, से फॉर एग्जांपल मेरा आया आंसर ND1 यहाँ पे, ठीक है, या जो भी है अगर कोई और इसको देख रहा है जो ब्लैक एंड स्कोल्स के पर्पज से नहीं देख रहा है तो उसको जेड का आंसर आएगा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। सो नो प्रॉब्लम, आइदर वेज यू कैन यूज इट। तो आपको सपोज ND1 आया, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, एंड आया आपका n इज इक्वल टू पॉइंट, एंड दिया हुआ है यहाँ पे n 0.49 इज इक्वल टू 0.6879 एंड n 0.215832। अगर आपको क्यूमुलेटिव टेबल दिया है ना देन प्लीज टेक इट एज इट इज। मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया है, अगर तुम लोग का पास मेरा वो जो अपन लोग ने मैराथन थियोरी किया था ना जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाला, ये वाला अगर इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाला शीट है देन इसके लास्ट पेज के ऊपर आ जाओ, एक क्वेश्चन है जहां पे ये यू नो ऑलमोस्ट सब मैंने पॉसिबिलिटीज को ले लिया है। तो अगर आप लोग ये क्वेश्चन को देखोगे ना तो देखो क्या दिया है यहाँ पे, सबसे पहले 0 to x माइनस एक्स टू प्लस एक्स वन टेल माइनस इन्फिनिटी टू एक्स, तो ये वाला जो है ना दिस इज बेसिकली द क्यूमुलेटिव टेबल, तो वो आपको एग्जाम में देगा। आपको इंस्टीट्यूट का एक क्वेश्चन देखना है, देखो यहाँ पे उसने दिया हुआ है तो ये आपको एग्जाम में देगा कि ये क्या है। अगर उसने बोला क्यूमुलेटिव एरिया है या फिर अगर उसने बोला माइनस इन्फिनिटी टू एक्स है देन इन दैट केस आपको समझ जाना है कि वॉट इज टू बी डन। सो ऐसे की सिचुएशन में क्या करना है आपको, टेक द नंबर एज इट इज, टेक द नंबर एज इट इज। तो यहाँ पे अगर आप लोग नोट करोगे तो देखो जब ND1 सॉल्व हुआ ना तो आया 0.4950 एंड D2 आया 0.21।
तो आइडियली इस केस में आंसर क्या होना चाहिए पता है क्या? ये टेक एज इट इज, ये देखो मैंने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, माइनस इन्फिनिटी टू एक्स वाला सीन हुआ तो टेक एज इट इज, तो यहां पे आप लोग ले लोगे टेक एज इट इज, यहां पे आप लोग ले लोगे टेक एज इट इज। तो टेक एज इट इज मतलब आंसर क्या हुआ इसका, 0.49 का क्या हुआ 6879, एंड 0.2122 का क्या हुआ 0.5832। सर आपको हमारे को टेबल में जाके देखना है क्या? नहीं, एग्जामिनर आपको देगा ये, डो नॉट वरी। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर देख लो, तो यहाँ पे ये रहा ये क्यूमुलेटिव वाला, एंड द आंसर इज डायरेक्टली 0.6879, 0.5832। मेरा पॉसिबिलिटी वन इज डन, आई होप वी आर क्लियर। सेकेंड पॉसिबिलिटी के ऊपर आते हैं। सपोज उसने आपको दिया माइनस एक्स, 2 + x, मतलब ये वाला फिगर, ठीक है ना, x क्या है वो तो अभी आपको समझ गया, वो z से जो सॉल्व करके आता है वो, तो ये आपका आया माइनस एक्स एंड प्लस एक्स, और इन दोनों के बीच का अगर आपको नंबर दिया है तो सिंपल है, जो भी नंबर दिया है डिवाइड बाय 2 + 0.5, डिवाइड बाय 2 + 0.5, देखते हैं अपने को क्या दिया है, क्या ये लोग ने इस क्वेश्चन में दैट सिनारियो माइनस एक्स 2 + x का सिनारियो, टोटल 5 सिनारियोज है, उसमें से 4 ही सिनारियो यहाँ पे कवर्ड है, एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू शो यू। सो अब यहाँ पे ये रहा देखो, माइनस एक्स 2 + x का भी सिनारियो दिया हुआ है, तो अगर माइनस एक्स प्लस एक्स का सिनेरियो दिया है तो देखो क्या करना है बेटा अपने को, डिवाइड बाय 2 + 0.5, तो ये जो भी आता है आपका, तो ये कितना आया है बेटा देखो जरा, पॉइंट देखो ये आपका आंसर आया 0.49, तो 0.49 जो भी आंसर आया 0.3758 डिवाइड बाय 2 + 0.5। देखो लॉजिकली ऐसे नहीं करना चाहिए, लॉजिक तो है पूरा इसका और मैं आपको एक्सप्लेनेशन और सब दे सकता हूं कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी है, ऐसा क्यों हुआ, मोर देन 500 < 500 होता है, तो वो सब है, बट आई नो यू जस्ट वॉन्ट एग्जामिनेशन के लिए सर क्या है, फटाफट 10 मिनट में बता दो, हमारा काम खत्म करो, एंड दैट इज द रीजन आई एम टीचिंग यू दिस वे। ठीक है, बाकी लॉजिकली करना है, आप एग्जाम के बाद आना, डेफिनेटली एक एक चीज डिस्कस करेंगे। जब आप ये 0.3758 डिवाइड बाई 2 + 0.5 करते हो, आंसर आ जाता है 0.6879, ऑब्वियसली आंसर वही आना चाहिए। जब मैं यहाँ पे ये 0.1664 डिवाइड बाय 2 + 0.5 करता हूं, बट ऑब्वियसली आंसर 0.5832 ही आना चाहिए, एंड बरकरार 0.5832 ही आ रहा है। इसी के साथ मेरा सेकंड पॉसिबिलिटी भी कंप्लीट होता है कि आपको ये वाला नोट चाहिए जो मैंने इधर डायग्राम बनाया बनाया, टेलीग्राम चैनल दिया है मैंने इधर देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लो, वहां पे आप लोगों को ये भी नोट्स मिल जाएगा। फिर बाद में दिया है माइनस एक्स टू इन्फिनिटी, माइनस एक्स टू इन्फिनिटी या प्लस एक्स टू इन्फिनिटी, सो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? तो ये लोग बोल रहे हैं बेसिकली वन टेल दिया है, या तो उसने आपको लेफ्ट टेल दिया है या तो उसने आपको राइट टेल दिया है। अब अगर समझो आपको ये दिया है और आपको ये पूरा फाइंड करना है, तो आप खुद ही लॉजिक लगा लो ना यार, क्या होगा बराबर है, अगर आपको उसने ये दिया है और आपको ये पूरा फाइंड करना है, करेक्ट, सीधी सी बात है, वन माइनस कर दोगे आप, तो यहाँ पे वन माइनस गिवन नंबर, तो अपना आया है एन 0.49 बराबर है, एन 0.49 है, एन 0.49 क्या है अपना, तो इसके लिए अपने को देखना है अभी किसके लिए, वन टेल के लिए, तो वन टेल वाला देखो माइनस एक्स टू, हाँ ये रहा वन टेल, वो लोग ने अलग से नाम करके ही दे दिया है। इस सिचुएशन में क्या होगा, 0.3121 आप लोग कर लो, वन माइनस 0.3121 कर लेंगे, बोला है ना, वन माइनस द गिवन नंबर, गिवन नंबर इज वन माइनस 3.1 माइनस 0.3121, अगर आप लोग नोट करोगे तो आंसर यही आएगा 0.6879, आंसर तो वही आना है बेटखुरदार, समझ रहे हो क्या, ये वाला भी वही करोगे तुम लोग, वन माइनस 0.4168, सो वन माइनस 0.4168 एंड इट इज 0.5832, समझ में आ गया? जी सर एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो ये वन टेल का हुआ, वन टेल के केस में अपन ने देखो क्या करना है, वन माइनस द गिवन नंबर। फोर्थ सिचुएशन पे आ जाते हैं, वो आपको 0 to x का देगा, ये तो एकदम सिंपल है, 0 to x का दे दिया है, तो आपको ये मतलब इन शॉर्ट ये वाला एरिया दे दिया है, तो करेक्ट 0.5 आपको आप यहाँ पे ऐड करना होगा बेटा, तो 0.5 आप यहाँ पे ऐड कर दोगे, तो ये देखो 0 to x का वो लोग ने दिया हुआ है बराबर, जीरो बीच का x, तो 0 to x, तो अपने को 0.5 ऐड करना है, तो 0.1879 है, जब इसमें 0.5 ऐड किया तो आ गया आपका भी आंसर 0.6879, 0.0832 पे 0.5 ऐड किया 0.5832, सारे पॉसिबिलिटीज जो इंस्टीट्यूट पूछ सकता है ना वो सब मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया है। और एक पॉसिबिलिटी है फिफ्थ, बोथ टेल्स गिवन, कोई बात नहीं, अगर दोनों टेल्स दिया है देन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 + 0.5,
सिंपल है, तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय टू करेंगे तो एक आपको टेल का मिल जाएगा, प्लस 0.5 अपने को दे देना है, वी विल गेट आवर फाइनल आंसर। तो पॉइंट एन 0.49 दिया हुआ है, 0.3758 दोनों टेल का बट, सो डिवाइड बाय टू प्लस 0.5 कर लो, यू विल गेट 0.6879 एंड विद दिस पांचों के पांचों पॉसिबिलिटीज आपके कवर हो गए हैं। अब अगर इसका आपको समरी मिल जाए तो कितना अच्छा होगा ना, ये रहा, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव हुआ तो एज इट इज लिख देना, माइनस एक्स टू प्लस एक्स, वन टेल, जीरो टू एक्स, बोटे, भाई इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है, सब कवर कर लिया है मैंने, तुम टेंशन लो ही मत लाइफ में। तुम लोगों के लिए ये देखो मैं लेकर आया हूं यहाँ पे इंस्टीट्यूट का एक एग्जाम्पल, मालूम है क्वेश्चन नंबर 25 में ना ब्लैक एंड स्कूल्स में ये एग्जाम्पल्स है, तो अगर क्वेश्चन नंबर 25 डेरिवेटिव्स का मॉड्यूल का ओपन करो तो तुमको दिखेगा, वो देखो उसने क्या दिया, एरिया ऑफ लेफ्ट और राइट टेल, मतलब एरिया ऑफ लेफ्ट और राइट टेल है, चलो आ जाओ नोट्स के ऊपर, मतलब वन टेल है, वन टेल हुआ तो क्या वन माइनस गिवन नंबर, तो यहाँ पे आप लोग अभी ट्राई करना वन माइनस गिवन नंबर करके ये सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। इंस्टीट्यूट ने बोला है कि अगर समझो वन टेल नहीं दिया है, समझो इंस्टीट्यूट बोलता है कि हमने क्यूमुलेटिव एरिया दे दिया, बराबर, तो क्यूमुलेटिव एरिया में अपन एज इट इज नंबर लेते हैं, ट्राई करो या एज इट इज नंबर लेके ट्राई करो, यू विल गेट योर आंसर। समझो एरिया ऑफ द लेफ्ट एंड राइट टेल, मतलब टू टेल दिया है, तो ऐसे सिचुएशन में मैंने क्या बोला है, जो भी आंसर आता है डिवाइड बाय टू प्लस 0.5, ये भी करके कर लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, एंड दैट्स व्हाट दिस होल थिंग इज ऑल अबाउट। ओके, कैसा लगा आपको ये सेशन, ऐसे ही कुछ शॉर्ट वीडियोस जहां पे आपको लग रहा है आप अटक रहे हो एंड सर आपको हमको आपका हेल्प चाहिए तो आप लोग बोलते क्यों नहीं हो, बराबर है, तो आप लोग को बोल देने का, कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए। अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने जूनियर्स को और कलीग्स को जिनको इसमें अटकन होती होगी। हस्ता ला विस्ता, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।